हेलो एवरीवन, अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री के एक ब्रीफ यूनिट्स के बारे में ब्रीफ दे देता हूं। देखिए, आपकी फर्स्ट यूनिट है कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या है? कंप्यूटर एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। आपकी सेकंड यूनिट है लिक्विड स्टेट। सेकंड यूनिट क्या है आपकी? लिक्विड स्टेट। आपकी थर्ड यूनिट है गैसियस स्टेट। आपकी फोर्थ यूनिट है सॉलिड स्टेट। आपकी फिफ्थ यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। अब देखिए, ये तीन यूनिट तो स्टेट ऑफ द मैटर हैं। ये क्या हैं? तीन यूनिट स्टेट ऑफ द मैटर। और आपको फर्स्ट यूनिट में कंप्यूटर और मैथमेटिकल कंसेप्ट, मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या आएगा आपका? मैथमेटिकल कंसेप्ट में आएगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका उच्चिष्ट निम्निष्ट वगैरह, ये सारे किस में आएंगे? मैथमेटिकल कंसेप्ट में। सेकंड लिक्विड स्टेट के लॉ, गैसियस स्टेट के लॉ, सॉलिड स्टेट की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल काइनेटिक्स में आप और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, तथा TST एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये सारी चीज़ किस में पढ़ोगे? केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपका फोर्थ यूनिट सॉलिड स्टेट। हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं? फोर्थ यूनिट सॉलिड स्टेट, जो आपकी कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। और BSc में ये BSc के पेपर में ये अपना पूरा योगदान देती है। देखिए, सॉलिड स्टेट, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये सॉलिड स्टेट है क्या। तो हम पढ़ते हैं मैटर। क्या पढ़ते हैं? मैटर। मैटर का मतलब क्या होता है? द्रव्य। क्या होता है हिंदी में इसका मतलब? द्रव्य। अब देखिए, मैटर का क्लासिफिकेशन होता है टू टाइप से। फर्स्ट होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से इसका भी फिजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन सा होता है? देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। मुख्य रूप से हम इन तीन ही स्टेट को पढ़ते हैं। वैसे तो प्लाज्मा भी होती है, बोन्स आइंस्टीन भी होती है, लेकिन बट हम कितनी स्टेट पढ़ते हैं मुख्य रूप से? इन तीन स्टेट को, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। अब देखिए, यहाँ पर होता है केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर का टू टाइप से। प्योर सब्सटेंस। सेकंड क्या होता है मिक्सर। अब इसमें देखिए, प्योर सब्सटेंस में का भी क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है। एक तो इसमें आता है एलिमेंट, दूसरा होता है इसमें कंपाउंड। और मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है। देखिए, मिक्सचर दो प्रकार का कौन सा होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखिए, ये तो हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब भौतिक रूप से कौन कौन सी अवस्था पाई जाती है उस मैटर की, द्रव्य की,
एक तो गैस, लिक्विड अवस्था, गैस और सॉलिड। केमिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट आपने देखे होंगे H, Br, Cl, Na, ये क्या होते हैं? एलिमेंट। और कंपाउंड में क्या होता है आपका? H2O। H2O भी प्योर होता है। अब देखिए मिक्सचर, मिक्सचर में होते हैं दो प्रकार के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखिए होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब समांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके जो सब्सटेंस होते हैं वो एक ही स्टेट के होते हैं, मतलब कि दोनों या तो लिक्विड होंगे मिक्सचर में या दोनों ही क्या होंगे? गैस होंगे। और हेट्रोजीनियस में क्या है? उनकी मैटर ऑफ द स्टेट क्या हो जाएगी? डिफरेंट। कि जैसे कि हमने क्या किया? सॉलिड और लिक्विड को मिला दिया, सॉलिड और लिक्विड, बट वो कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल। जैसे आप पानी में मिट्टी को डाल देते हो, पानी में मिट्टी को डाल देते हो तो वो कैसा मिक्सचर होता है? हेट्रोजीनियस। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। अब देखिए हम पढ़ते हैं सॉलिड, तो हमको सॉलिड की क्या आनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक, हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ते हैं कंपेरेटिवली, कि हम कंपेरिजन करते हैं कि ये इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे कम, और कुछ पढ़ते हैं इसकी खुद की बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के गुणधर्म। देखिए समझ में आया कि ये मैटर किस प्रकार क्लासिफाइड होता है? फिजिकल, केमिकल। फिजिकल में भी लिक्विड, गैस, सॉलिड। केमिकल में प्योर और मिक्सचर। प्योर टू टाइप, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। देखिए आपने प्रीवियस क्लास में इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी है प्रॉपर्टी? सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्या? सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। देखिए क्या है? सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। अब देखिए इसका मतलब क्या है? जो ठोस होते हैं उनका निश्चित आकार, आकृति और आयतन होता है। आपने गेंद देखी होगी, गेंद की एक निश्चित शेप होती है, उसकी आकृति निश्चित होती है कि वह गोलाकार है। उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है कि वह गोला है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 πr³। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सॉलिड में फिक्स होती हैं। फिर हम देखते हैं जब ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड आर रिजिड एंड, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिव। क्या होते हैं? सॉलिड दृढ़ होते हैं और असंपीड होते हैं। दृढ़ का मतलब आपको पता है कि ठोस मोस्टली क्या होते हैं? दृढ़, उनमें रिजिडनेस पाई जाती है। और इनकम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। इनकम्प्रेसिव का मतलब क्या है? उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी, तो ये कहेंगे हम कि जो इसके बीच में क्या होता है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, या ये कह सकते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्स इज़ वेरी हायर या वेरी स्ट्रॉन्ग। हम क्या कहेंगे?
इन सॉलिड, इंटर पार्टिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो जो सॉलिड के जो अणु होते हैं, पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं सॉलिड के, उनके मध्य में जो फोर्स होता है इंटर पार्टिकल, जैसे इन दोनों के मध्य जो भी फोर्स लगा हुआ है वो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स। इन दोनों के मध्य जो भी फोर्स लगा होगा वो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स। इन दोनों के मध्य भी जो फोर्स लगा होगा वो क्या होगा, इंटर पार्टिकल फोर्स। जो ऐसा फोर्स जो इन जो पार्टिकल्स को क्या होता है, बांधे रखता है, एक दूसरे से कंबाइंड रखता है। तो ये जो फोर्स होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और आपको पता है जब कोई फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखिए एक एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, इस पर F1 फोर्स लगा रहा है ये वाला पार्टिकल, और एक पार्टिकल ये है इस पर ये F2 फोर्स लगा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1। क्या बोल रहा हूँ, F2 फोर्स इज ग्रेटर देन F1। और आपको पता है किसी व्यक्ति को हम खींचते हैं या कोई शक्तिशाली व्यक्ति हमें आसानी से पास में ला सकता है, आसानी से खींच सकता है, तो हम दोनों के बीच की क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम, क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे इन सॉलिड इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। तभी तो देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए इनमें फोर्स भी ज़्यादा है, और इसलिए हमको ठोस को तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठोस को तोड़ते हैं हम, किसी भी ठोस को तोड़ते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आपको पता है कि लिक्विड और गैसियस में इतना फोर्स नहीं होता, उनके इंटर पार्टिकल फोर्स का मान इतना नहीं होता जितना कि सॉलिड का होता है, और उनका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज आती है जो आपने शायद 12th में ना पढ़ी हो। इसमें यह एक प्रॉपर्टीज आती है कि ट्रांसलेशनल मोशन इज एब्सेंट। क्या होती है, सॉलिड में ट्रांसलेशनल मोशन प्रेजेंट नहीं होती, इसका मतलब स्थानांतरण गति नहीं होती। जबकि वाइल वाइब्रेशनल मोशन इज प्रेजेंट, क्या होती है, वाइब्रेशनल मोशन प्रेजेंट होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वाइब्रेशनल मोशन अबाउट दियर मीन पोजीशन इज प्रेजेंट। अब देखिए जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं करते, स्थानांतरण गति नहीं करते। यदि एक जगह से दूसरी जगह गति करने लग जाते तो उनका फोर्स कम हो जाता। गति कब, कोई कब, तब करता है जब उनका फोर्स, उन दोनों के बीच का फोर्स कम हो जाए। यदि मैं किसी को बांधे रखता हूँ तो वो कैसे भाग सकता है, यदि मैं उसको छोड़ दूँ तो वो भाग सकता है। सेम इसी में होता है कि उसमें ट्रांसलेशनल मोशन मतलब स्थानांतरण की गति,
स्थानांतरण गति नहीं होती उनके पार्टिकल के मध्य, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन मतलब कंपन गति पाई जाती है। और कंपन गति कैसे करते हैं कि कोई ये पार्टिकल है इस जगह है, वो अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर क्या करता है, गति करता है, इधर उधर गति करता है, किसकी तरह, पेंडुलम की तरह। तो उसे तो हम क्या कहते हैं कि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ क्या करते हैं, मोशन करते हैं। और इस मोशन को क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। अब देखिए ये तो हो गई सॉलिड की प्रॉपर्टीज़। आपने सॉलिड की ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि सॉलिड हैव द डिफाइनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जबकि गैस में क्या होता है, गैस हैव द इनडिफाइनाइट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। क्योंकि गैस को जिस कंटेनर में भरोगे वह उसी की साइज ले लेगी, उसी का शेप ले लेगी और उसी का वॉल्यूम गेन कर लेगी। लेकिन आप किसी गेंद को इस कंटेनर में रखोगे चाहे दूसरे कंटेनर में रखो, गेंद का साइज, शेप और वॉल्यूम तीनों ही सेम रहेंगे। लेकिन किसी गैस को यदि आप किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में भर रहे हो, तो वो इस कंटेनर पहले जिस कंटेनर में थी उसका साइज और वॉल्यूम ले रखा था, यदि दूसरे कंटेनर में भरोगे तो उसका साइज और वॉल्यूम ले लेगी। सेम सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिव, मतलब सॉलिड को संपीड्यता नहीं पाई जाती, सॉलिड में संपीड्यता नहीं पाई जाती, उसको हम प्रेशराइज करके नहीं रख सकते। यदि ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि सॉलिड रिजिड एंड इनकम्प्रेसिव। इंटर पार्टिकल फोर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होती है। और बीच की दूरी कम होती है तो उन इसलिए वो नज़दीक नज़दीक होते हैं, पास पास होते हैं। पास पास होने के कारण वो एक नियमित स्ट्रक्चर निर्माण कर लेते हैं। और वो एक किस फॉर्म में पाई जाती है, सॉलिड के फॉर्म में। अब देखिए मैंने लास्ट पॉइंट बताया था, ट्रांसलेशनल मोशन इज एब्सेंट वाइल वाइब्रेशन मोशन अबाउट दियर मीन पोजिशन इज प्रजेंट। मतलब स्थानांतरण गति नहीं पाई जाती जबकि वे अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन गति करते हैं। मतलब सॉलिड के जो कण होते हैं वो अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर गति तो करते हैं, माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करते हैं, बट स्थानांतरण गति नहीं करते कि एक अणु यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला गया, ऐसा नहीं होता। वही अणु अपनी मीन पोजिशन के इधर उधर क्या करेगा, ऑसिलेट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, टाइप ऑफ सॉलिड। देखिए हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड के प्रकार। अब देखिए सॉलिड दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमोर्फस, जिसे आप हिंदी में बोलते हो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। कौन कौन से होते हैं दो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस। क्या होता है अमोर्फस, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। ये होते हैं टाइप ऑफ सॉलिड। अब मैं आपको इस चैप्टर में क्या और कराऊंगा देख लीजिए, मैं इसमें क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार बताऊंगा, अक्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म, क्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म, फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेल, यूनिट सेल के बाद पढ़ेंगे यूनिट सेल के टाइप, यूनिट सेल में कौन कौन से टाइप है, FCC, BCC, फिर उनकी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता के बाद फिर हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में NaCl, CsCl2, ZnS, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देखिए ये तो थी बेसिक नॉलेज सॉलिड स्टेट की। अब हम नेक्स्ट क्लास से आपको पूरी कंप्लीट जो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।